हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्रीमती रुचि देवा लाल जी का नाम प्रसाद का गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग्स। आज हम आए हैं बोमदिला में। दिस इज द वेदर ऑफ बोमदिला। क्लाउडी है, बहुत सुंदर है, तो हमने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज एक्चुअली प्रोग्राम है गोंदपा में। वो गोंदपा का भी वीडियो हम प्रीवियस वीडियो डाल चुका है, तब तक कैथलिंग मोनेस्ट्री के बारे में तो आप ज़रूर देखना है। कुछ बता डांस के लिए, डांस कब होगा? तो कौन सा डांस करेगा आज? कौन सा कल्चर ना रूप में जब वक्त मिशन हुआ तब से मैं यहीं पर, मैं बचपन में यहीं पर पढ़ाई किया। बोधी भाषा सिखाना ये सब जो है यहीं पर। उसी समय हमारे गाँव मठ का विषय का समय पर मैं ट्यूशन प्राप्त किया, तो उन्होंने भी बताया। अभी मुझे बहुत छोटा है, अभी यहीं पर गोंदपा में बैठकर पढ़ाई करना है, तो उन्होंने एडवाइस किया। और मेरा आश्रम थे लमदांगा, वो बहुत तवांग मोनेस्ट्री में फेमस गुरु जी थे, वो भी यहाँ पर आकर मुझे बहुत सारा सिखाया। तो ऐसे करके जब तक मैं धर्मशाला में पढ़ाई के लिए नहीं गया, मैं यहीं पर पढ़ाई किया। फिर हम लोग खेलने के लिए यहाँ करप से बस्ती जाता था, करप से तो सामने में, तो इसलिए हम जब छुट्टी होता थे तो करप से घर में जाके घूमता है। वहाँ में कुछ देखने के लिए चीज़ है, तो हम लोग परम्पराओं वगैरह में उस समय धर्मशाला में इनका बहुत समय थे। उस समय बार बार टीचिंग्स मिलता था और रिलीज करेंगे इनका मैसेज, और तो उसी में बहुत डिटेल में इस हॉलीडेज ने लिखा है। Yes, sir.
आज ऑडियंस दर्शक आए हैं, हमें बहुत दूर दूर से आए हैं, से आए हैं, हर गांव से आए हुए के। आज बहुत ही पब्लिक जमा है हमें। इनॉग्रेशन हो चुका है एंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अमूल सिक्के होंगे आपके पास की तरफ आगे बढ़ना चाहें आपसे कहकर हमारे जो अमूल है उसको आप इसके बाद हम मैडम अमूल जी को आगे बुलाना चाहें और कहकर हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्रीमती रुचि देवा लाल श्रीमती और बड़े एडवाइजर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी गणित अरुणाचल प्रदेश शिक्षा मंत्री और अपने सम्मान को शिक्षा इसके बाद मैं पर स्वागत करना चाहूँ मैडम के सम्मान के बाद और राजस्थान को मैं चाहूँ
लेखकों को जिनके बाद मंच पर आमंत्रित करना चाहिए। जय जवान जी नाम सर जी, और इसके बाद श्री कर्णा गिरी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पधार लीजिए। जेने जी के बाद भूटान से जो पधारे हुए हैं आप पधारने के कष्ट करें। कर्णा गेले जी, अगर मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है उसके बाद मैडम श्री राहुल जी रूपा, मैडम श्री राहुल जी रूपा, मैडम श्री राहुल जी के बाद इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे भास्कर दर्शन छात्र वो आदमी मुसलमान। प्रेमा जो जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो कृपया नहीं सकते। उसके बाद सिंह जी का नाम पुष्पा सिंह जी का नाम, उसके बाद राम गोपुर जी, राम गोपुर जन जल के बाद उनके बाद हम बुलाना चाहेंगे श्री रिंकी चौधरी वाहन रिंकी चौधरी वाहन रूपा से। Dharamsala, respected Madam Rinchin Lamu, along with our SP, ADC, SODs and Army officials from West Kameng and Tawang.
सबके बीच में उपस्थित हिज होलीनेस परम पूज्य गंदन श्री मिशेला और अपना हिज एमिनेंस पद्मश्री गुरु तुलकु रिमिशे जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे रिमुचेस और खास करके इस समारोह में आए हुए धर्मशाला से हमारे ऑनरेबल सिक्योंग श्रीमान पेम्बा श्रृंगला और उनके साथ पधारे ऑनरेबल स्पीकर सीटीए केनबो सोनम टनपिल ला और उनके साथ आए हुए ऑनरेबल एमपी सीटीए वेनरेबल अर्तुक चेतनला और साथ साथ अपने ही प्रदेश के हमारा सीनियर लीडर जो कि वेस्टर्न पार्लियामेंट्री ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूसी के सांसद श्री तपिरगांव जी और यहाँ उपस्थित हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑनरेबल एमएलएस और हमारे बीच उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर आर के खिमेला जबुदेरू जी, फॉर्मर एमएलए सिंह टशी जी और यहाँ उपस्थित अपने जितने भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और हमारे बीच हुआ है इस शुभ अवसर पर आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। जैसे आज के दिन देखो भगवान का आशीर्वाद, ये हल्का सा बारिश के बिना अधूरा रह जाता है। थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा धूप दिया, वो भी एक आशीर्वाद है। आज हल्का सा जो ड्रिजलिंग हुआ ये भी एक आशीर्वाद है, तो हम सब के लिए काफ़ी एक ब्लेस्ड है। और अपना गंदन श्री मिश्र जी जो हमारा गेलुक सेक्ट में जो हाइएस्ट जो चेयर मानते हैं वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। हम सब लोग बहुत ही धन्य हैं। मैं गंदन श्री मिशेला को 2 साल पहले इसी ही डिस्ट्रिक्ट में मिला था जो वो एस चर्चे जे रिमिछे के रूप में, तो वहाँ तेंजिंगांग एरिया में अपना जो टिबेटन स्कूल है वहाँ में एक प्रोग्राम में हम दोनों एक साथ वहाँ पे मिले थे। और इसके बाद रिमिछेला फिर तवांग में प्रस्थित हुआ था, क्योंकि तब तक जो हमारे फॉर्मर जो गंदन श्री रिमिछे था उनका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चर्चे रिमिछेला और झांसे रिमिछेला दोनों तवांग में प्रस्थित हुआ था। तो आज 2 साल बाद रिमिछेला को अभी गंदन श्री रिमिछे के रूप में दर्शन हुआ है, तो हमारे लिए भी बहुत ही एक सौभाग्य का अवसर है। रिमिछेला ने हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने कहा है कि जितने भी जो हमारा बौद्ध धर्म है प्रैक्टिस करने वाला, खास करके जो हिमालयन एरियाज में बसे हुए हैं, ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस रिलीजन को उस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। और हमेशा मैं ये एक आप सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारा जो बौद्ध धर्म है उसको समझने के लिए, उसको और भी गहराई से समझने के लिए बोधि स्क्रिप्ट को सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आज यहाँ पे अपना मनपा समाज के लोग भी हैं, शर्दुपिन समाज के लोग भी हैं, अपना मिजी, इसके बाद आका सरथांग, इसके बाद गुगुन समाज, जो लोग बौद्ध धर्म को आप लोग मानते हैं, हमेशा कोशिश करना है कि कम से कम अपना नेक्स्ट जनरेशन जो युवाओं लोग हैं वो लोग बोधि स्क्रिप्ट को समझ करने में तुला हुआ है, वहाँ का स्क्रिप्ट को भी ख़त्म करने में तुला हुआ है, दलाई लामा इंस्टीट्यूट को डायल्यूट करने में तुला हुआ है, तो सब कुछ डायल्यूट करने में तुला हुआ है वहाँ पे। उस चीज़ को हम लोग हिमालयन के लोग हम लोगों को बचाना होगा आने वाला दिनों में। सो इसलिए बोधि टिबेटन स्क्रिप्ट को सीखना ये बहुत ही आवश्यक है। इस कल्चर को मेंटेन करना अपना देश का संरक्षण करना है, बिकॉज टिबेट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल फॉर इंडिया। एग्जिस्टेंस ऑफ टिबेट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। इसलिए खास करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हिमालयन बेल्ट और इस सभी देश अपना भारत देश का लोगों के ऊपर में ये गिरता है। सो इतना कहते हुए आज जो अपना थुपचोक गेसलिंग मोनास्ट्री में जो अपना पद्मश्री गुरु तुलकु रिमिछे के इनिशिएटिव से जो इतना सुंदर मोनास्ट्री, जो पुराना मोनास्ट्री था आप लोग ने देखा, काफ़ी पुराना हो चुका था और काफ़ी छोटा भी था, उसको अभी अपना गुरु तुलकु रिमिछे ने बहुत अच्छा मोनास्ट्री का रूप में यहाँ पे हम लोग ने बना पाया है। उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपना गुरु तुलकु रिमिछेला को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। और साथ साथ आप सभी जितने भी जो स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी जो जिंदा हैं,
भूटान से लेके अपना तवांग वेस्ट कमिंग और अन्य एरिया से भी जितने भी जो जिंदा है स्पॉन्सर से आप सभी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके मदद के बिना इतना अच्छा गोनपा बन के तैयार हो नहीं पाता। अभी ये गोनपा तैयार होने के बाद अपना गुरु तुलकुल रिम्पोछे जिनका लीनेज आप सबको पता है, इस होलीनेस का जो मैसेज गंदन श्री रिम्पोछे लाने भी पड़ा और साथ साथ अपना यहाँ जो सी टी ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है तेंजिंगांग के उस ऑफिसर ने भी यहाँ पे पढ़ा इंग्लिश में। तो गुरु रिम्पोछे का जो लीनेज है, मेरा लामा जो तवांग मोनास्ट्री का फाउंडर, वहाँ से ही उनका लीनेज जो है शुरुआत होता है। तो इसलिए उनका एग्जिस्टेंस अपना यहाँ मौन एरिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गोनपा नया एक गोनपा एक बिल्ड होने के बाद हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ से जो अपना बौद्ध धर्म को लेके और भी प्रचार जो करेंगे, और ख़ास करके ऐसे बुद्धिज़्म, तो मैं बोलता भी हूँ कि इस नॉट जस्ट रिलीजन, बुद्धिज़्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ। तो आप अभी जाएगा, चलो आइए वो लोग मिल के आएगा सर लोग का। कौन सा सर को मिलेगा, कौन सा सर बम दे लगा है? चलो चलो चलो, और हम भैया के साथ अभी थोड़ा कोरा करते हैं नया गोनपा। आज ही सब इनोग्रेशन हो चुका है कंप्लीटेड, अभी आप आ सकते हैं लोअर गोनपा में जब भी दर्शन करने आते हैं, तो बहुत सुंदर बनाया है। अभी ये है लंच टाइम, हम तो खाने दिल नहीं है, खाया हम तो ऊपर खा के हम तो अभी लंच हो रहा है, आता हम का ना थोड़ा थोड़ा प्रसाद टेबल के खाना है ना। तो रिम्पोछे का जिन्ना फे अभी हम लोग खाते हैं, और यहाँ में मस्त नज़ारा ना, मस्त नज़ारा के साथ ये देख सकते हैं। लोकेशन चेक करिए, और पहले से आप लोगों को बताया था ये है मेरा ज़मीन, इसी के ऊपर अभी मतलब मज़े से खा रहे हैं। कुछ कुछ बोलिए आज, हम लोग आता सर, अभी बारिश दे रहे पूरा लोअर गोनपा में। अभी सब कंप्लीट हो चुका है, आप ज़रूर आइए, और ये हम सर लोग सब बैठे, सर लोग सब यहीं हैं, और यहाँ में फ़ोटो शूट हो रहे हैं अभी। ट्रेडिशनल ड्रेस, और ये भूटानीज ट्रेडिशनल ड्रेस देख सकते हैं यहाँ में पहना है, और ये हम लोग मोनपा कल्चर का ट्रेडिशनल ड्रेस। गाँव में उल्टा डाउन होता है, डाउन होता था। अभी यहाँ में सभी जा रहे हैं, हम लोग का यहाँ का जो मेन मालिक है ये गोनपा का गुरु तुलकुल रिम्पोछे, श्री पद्मश्री अवार्डी रह चुके हैं। फोटोशूट हो रहे हैं देखिए,